कल्याण पूर्व में खुलेआम कचरा फेंके जाने की घटना में इजाफा हुआ है। बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में खुलेआम कचरा फेंके जाने पर दंड लगाने का प्रावधान किया है, फिर भी डीठ लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। कल्याण पूर्व बन रहा है कूड़ादान। सिर्फ कुछ दिनों पहले ही कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की ओर से सड़क पर कचरा फेंके जाने वालों पर कड़क निर्बंध लगाए गए थे। मनपा ने कहा था कि सड़क पर कचरा फेंकने वालों से भारी दंड वसूला जाएगा और अगर किसी ने दंड नहीं दिया तो उसे जेल में भी भेजा जा सकता है। पर लोग है कि हर बात को अनसुना कर देते हैं और कचरा फेंके जाने में कल्याण पूर्व के नागरिक कुछ ज्यादा ही बेहतर बनते जा रहे हैं। हमने कल्याण पूर्व की कुछ मुख्य सड़कों का जायजा लिया और वहां साफ सफाई का हाल देखा। उसमें हमने विट्ठलवाड़ी स्टेशन से कल्याण पूर्व की ओर जाने वाला रोड, श्रीराम चौक से विट्ठलवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क, उड्डान पुल के नीचे वाली सड़क और प्रसाद रेस्टोरेंट के पास वाली जगह का हाल कैमरे में कैद किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, शमशान के पास वालधुनी के ऊपर वाले रास्ते पर कचरे के ढेर में मुर्गियों के पंख फेंके हुए हैं, जिसकी बदबू आने जाने वालों के लिए एक परेशानी बनी हुई है। यह कचरा प्रशासन की ओर से हर रोज उठाने के बाद भी लोगों ने रास्ते को ही कूड़ादान बना दिया है। कई थोड़ा सा कचरा फेंका हुआ रहा तो उसे साफ करने के बजाय वही और दो लोग के साथ आकर कचरा फेंकने वाली मानसिकता के कारण शहर में काफी जगहों पर सड़क पर ही बड़ी मात्रा में कचरा और दुर्गंध आप देख सकते हैं। प्रशासन अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम शुरू कर चुका है, पर क्या यहाँ के नागरिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रहने के लिए तैयार है, यह सवाल सबके सामने खड़ा है। कचरे के विषय में नागरिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की मुहिम या प्रशिक्षण वर्ग नहीं चलाता। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।